ये ले वेट करते हैं अभी अभी फटा है वर्कआउट कर बाइसेप्स ग्रो नहीं हो रहा जब दोनों मतलब इसकी गर्लफ्रेंड हो मैं जाऊं मेरा हुआ है लेकिन पर्सनल चीज तो गाइस अभी मैं बैठा हूँ कौन सी कार में वरना में और ए सेंट वरी दोनों कार एक्चुअली मेरी है भैया और संजू का कुछ भी नहीं सब कुछ मेरा है सब कुछ हुआ तो हुआ क्या कि अभी लॉक यार इतनी खूबसूरत लड़की आ रही है थोड़ा बाल सेट कर लो दिल्ली में एक्चुअली लॉकडाउन लग चुका है तो उसकी वजह से अब हमें छत पे वर्कआउट करना पड़ेगा पहले की तरह संजू मैं और भैया वो गंदे वाला वर्कआउट करवाते हैं तो चलते हैं ही ओरियो बिस्किट कौन रखता है वे मतलब भैया को देख लो हर जगह प्रोटीन प्रोटीन चाहिए देख भाई ने देख क्या रख रखा था हर जगह प्रोटीन चाहिए ओरियो प्रोटीन ही ये तो हाई प्रोटीन है जो होने वाला एकदम प्रॉपर वर्कआउट होने वाला घर पे लेकिन मैं बता दूं कि मुझे लगा था कि अब लॉकडाउन नहीं लगेगा जिसके चक्कर में मैंने अपना बेंच बेच दिया था और सुनो फीस भी दे दी थी बेचारे ने फीस भी दे दी जिम की लेकिन कोई बात नहीं आकाश ये है हमारा यहाँ पे एक छोटा सा जिम सेटअप जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारा सीटिंग अरेंजमेंट है जैसे कोई भी गेस्ट आता है तो यहाँ पे बैठ के वेट कर सकता था मैंने अभी सोचा कि भाई के साथ वर्कआउट करते तो मैंने भाई को बोला कि भाई आ जा तो भाई ने बोला कि अभी भाई की मेरी बाइक पंचर हो चुकी है तो मेरे को लेने आया तो मैं अभी जा रहा हूँ भाई को लेने फिर उसके बाद में हम भाई के साथ वर्कआउट करेंगे इसमें मात्र 15 से 20 मिनट लग जाएंगे तो चल फिर इसको छोड़ दे यहीं पे कर देगा तो चल मेरे साथ हाँ तो चल मेरे साथ अभी करके बस चल ही रहे हैं थोड़ी देर में तो भाई की जान पहचान है वरना कोरोना के टाइम में कोई नहीं खोलता मैंने सिखाई थी ना आपको निंजा टाइगर ना मेरे मत मारो 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 अब मारो दूर से लो इसको टच करके दिखाओ इसको टच कर सकते हैं मम्मी ये ले सो गाइस भाई आ चुका है घर पे और आज अभी देखो अंधेरा हो चुका है क्योंकि भाई को मैंने बुलाया था पहले एक घंटे पहले तो उस टाइम तो जा रहा था काफी लेकिन बाइक हो गई थी पंचर जिसकी वजह से हम हो चुके हैं लेट लेकिन अभी हम और डंबल यहाँ पर आ चुके हैं तो जिन लोगों ने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी उनमें जाके देख सकते हैं कि मैंने एक प्रॉपर लास्ट टाइम जब लॉकडाउन लगा था उसमें एक प्रॉपर जिम सेटअप बनाया था लेकिन फिर उसके बाद जैसे ही लॉकडाउन खुला तो हमें लगा कि दोबारा लॉकडाउन नहीं लगेगा जिसके चक्कर में हमने जिम सेटअप में से एक आधा जो बेंच था वो खराब हो रहा था बारिश में भीगे भीगे तो मैंने सोचा कि उसे चेंज कर लेते लेकिन अब फिर से वही कंडीशन आ चुकी है तो इस बार हम वर्कआउट करने वाले हैं वो भी घर पे ही 1 से 2 दिन क्योंकि उसके बाद तो जिम खुल जाएंगे जिम्स बंद होने के बाद आपको बताएगी आज हम घर पे वर्कआउट करने वाले हैं और आज हम वर्कआउट कर रहे हैं भाई के साथ में आज तुझे ट्राई करना एम साइज पहनने का एक्चुअली क्या है ना आजकल जिम भी सही चल रहा था लेकिन जिम बंद हो गए लेकिन कोई बात नहीं देख कटिंग वटिंग बिल्कुल आ गई थी भाई की एकदम और थोड़ी थोड़ी मेरी भी लेकिन अब कोई बात नहीं है लेकिन हम वर्कआउट नहीं छोड़ने वाले और हम घर पे ही वर्कआउट करेंगे नहीं गाँव में जाएंगे जब तो छोड़ना पड़ेगा थोड़ी मौज मस्ती भी जरूरी है मौज मस्ती तो होती रहेगी तो इसको पहन के दिखा दे आएगी वर्कआउट करना चाहेगा हमारे साथ कर लूंगा चल फिर तेरा मन नहीं है चा जा 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 नहीं तू जा देखा ये तो भाई तेरा एम साइज आया नहीं छोटा है थोड़ा है ना एक्चुअली थोड़ी लेंथ में छोटी रह गई है अभी ये वाली तो भाई के टाइट आ रही है काफी लेकिन भाई मैंने तेरे लिए एक एलबी मंगवाई है ये देख ये वाली एप्स ये एप्स दिखने लगे थे थोड़े थोड़े ठीक है थोड़े थोड़े देखो मैंने लैंग्वेज मार मार के ना अपना यहाँ का फैट कम कर लिया था लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब जिम बंद हो गए तो कैसे करेंगे कोई बात नहीं वेट करते हैं 30 तारीख तक का जिम खुलते हैं या बंद रहते ये वाली टी-शर्ट ये बेटर है ये काफी कंफर्टेबल भी है क्योंकि ये मेरे साइज की है और वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले आपको कमेंट करके बताना है कि मैं इस टी-शर्ट में कैसा लग रहा हूँ बिकॉज ये टी-शर्ट मेरे ऊपर बहुत अच्छी लग रही है इसकी अभी ये प्लानिंग क्या थी मुझे इसने अंधेरे में खड़ा कर रखा था प्राइस नहीं दिखाना भाई तो इसने मुझे अंधेरे पे खड़ा कर रखा था ताकि ये गोरा है और मैं काला हूँ अब मैं गोरा हूँ थोड़ा सा तो गाइस कमेंट करके जरूर बताना काला चुप रहा है पीछे तो गाइस हम तीनों भाइयों के अंदर आपको सबसे जबरदस्त बॉडी किसकी लगती है मेरी कमेंट करके बताना कमेंट करके बताना तीनों बाइसेप्स फ्लैक्स करो तो हम चुप जाएंगे तेरे पीछे इतना चल ठीक है चल बाइसेप्स तू भी फुला मेरा ज्यादा ही है एक स्कूप BCAA जिसको हम दोनों पीने वाले हैं अभी यहाँ पे मैंने 10 लिया ऊपर लिखा हुआ है नेवर गिव अप और भाई की अभी डिमांड है कि हम लोगों को चाहिए क्या म्यूजिक क्योंकि बिना गानों के मोटिवेशन नहीं आता है ये बिल्कुल सुखी सुखी जिम करवा रहा था तो मैंने बोला कि भाई इतना बढ़िया म्यूजिक सिस्टम ला के रखा हुआ है देखते भी इसका साउंड कैसा है oh,
गाइस आप लोगों को लगता है वर्कआउट करना मजाक है, हम टाइम पास कर रहे हैं। दिखाइए भाई, ये देख लो गाइस, ये देखो ये मतलब पूरा हट चुका है, पूरी यहाँ पूरी स्किन फट गई यहाँ से। और ये हाथों की हालत देख रहे लोगों को दिख रहा होगा कि हम वर्कआउट ऐसे ही नहीं करते। देखो हाथों की हालत, हाथ पूरे ज्यादा फटे हुए हैं ऐसे। यहाँ देखो मेरे भी, देखो पूरे हाथ, ये देख लो। लेकिन ज्यादा मेहनत मैं करता हूँ, अंदाजे ये लगा सकते। अभी देखो ये जस्ट अभी फटा है वर्कआउट करते हुए। सो गाइस भाई के साथ वर्कआउट करने का मतलब है अपनी हालत टाइट करवाना, और अब मेरा ना फट जाए। तो इसके कितने रेपिटेशन लेने? 5 ले ले, बहुत है। एक, दो, तीन, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 4 मेरी कमाई से मैं चाहता हूँ दबाई तभी तो मचेगा मचेगा तेरी तासे कट कट जैसे पिकर आज मात दे बराबर ओ जैसी जगी तक। सबसे पहले वाइड ग्रिप पकड़नी है, वाइड ग्रिप से 10 रैप्स निकालना। वाइड ग्रिप इतनी नहीं नहीं इतनी इतनी। चल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पैरेलल ग्रिप। ये जिसका बाइसेप्स ग्रो नहीं होता ना, ये एक्सरसाइज को कर लो, डेफिनेटली बाइसेप्स ग्रो हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्लोज ग्रिप और क्लोज हल्का सा। चल हाथ को पूरा खोलना नीचे। चल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वेरी गुड। तो गाइज ये ऐसा वर्कआउट है ना, अगर आपने मार लिया और अगर आपका बाइसेप्स ग्रो नहीं हो रहा, तो बाइसेप्स को ग्रो करने के लिए अगर आपका बाइसेप्स प्लेटो हिट कर गया तो बहुत मस्त एक्सरसाइज है, जरूर ट्राई करें। आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ। देखो ये भाई का फोन है और ये मेरे फेस से अनलॉक हो जाता है, तो अभी देखो ये अभी इसको हम अनलॉक करते हैं, तो अभी अनलॉक नहीं हो रहा है। आकाश इधर आएगा, तेरे फेस से ट्राई करते हैं, अपने फेस से ट्राई कर, ट्राई कर, नहीं हो रहा है ना, नहीं। अब देख मेरे फेस से, देख मेरे फेस से खुल जाएगा, देख देख खुल गया। तो गाइज आप एक चीज बताना, हम आईफोन वालों पे क्लेम कर सकते हैं हम दोनों के फेस से एक दूसरे का फोन खुल जाता है। आपको बताना यार सीरियसली, हम दोनों की शक्ल क्या सिमिलर लगती है। आईफोन नहीं पहचान पाया था, आईफोन तो पहचान ही नहीं पाता। जबकि ये फायदा तब होता है ना जब दोनों मतलब इसकी गर्लफ्रेंड हो, मैं जाऊँ वो मुझे आईफोन समझ ले। ऐसा हुआ है लेकिन पर्सनल चीजें शेयर नहीं करते हो। वो बचपन की बात है। तो गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पूरे बाइसेप्स भर चुके हैं। बढ़िया वाला वर्कआउट हो रहा है हमारा घर पे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें गांव जाना पड़ेगा क्योंकि हमारे गांव में 2-3 शादी है, जिस वजह से हमारा वर्कआउट बीच में छूटेगा, जिसका बड़ा दुख है, लेकिन वहां पे भी जाना जरूरी है। सो गाइज हम लोगों का वर्कआउट हो चुका है कंप्लीट, और सीरियसली बताऊं बहुत मजा आया हम दोनों को साथ में वर्कआउट करके। और मैं बताऊं आपको, होम वर्कआउट करो, फील लेके करो, क्योंकि पिछली बार हमने क्या करा था, वर्कआउट करना छोड़ दिया था, जिस वजह से हमारी बॉडी काफी ज्यादा डाउन हो गई थी। लेकिन इस बार हमने क्या सोचा है कि वर्कआउट नहीं छोड़ेंगे, गांव में जाएंगे तो भी थोड़ा थोड़ा करते रहेंगे। लास्ट टाइम वाली गलती नहीं करेंगे, लास्ट टाइम जो लॉकडाउन था हमने बिल्कुल वर्कआउट करना छोड़ दिया था, 6 से 7 महीने तक बिल्कुल नहीं गए थे और हमारी हालत ऐसी हो गई थी चुस्से हुए आम जैसी। लेकिन अब साथ में वर्कआउट करा हमने और मजा आया काफी वर्कआउट करके। और इस वीडियो को शूट करने का एक छोटा सा रीजन ये था कि आप लोगों के साथ एक चीजें शेयर कर रही थी कि घर पे रहो, हेल्दी रहो, वर्कआउट करते रहो और हेल्दी डाइट फॉलो करो। और अगर ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरे रॉयल शक्ति फिटनेस पे जाके जरूर चेकआउट करें, और उससे ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम दोनों को इंस्टाग्राम पे जाके मैसेज करो। दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।